अब इस प्रोडक्ट के अंदर इस वो क्या बोल रहा था, दो चीज होगी, एक होगा आईडी और एक होगा नाम। तो आईडी हम कंसिडर कर लेते कि अब इंटीजर होगा, ठीक है, आईडी इंटीजर है, और जो नाम है वो हमारा स्ट्रिंग में होता है नॉर्मली, स्ट्रिंग नेम। और इसका हमने कंस्ट्रक्टर अगर मैं बना दूं तो ये बन जाएगा इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है प्रोडक्ट किस तरह हमने बनाई? यहां तक सबका क्लियर है? एक हमने प्रोडक्ट की क्लास बनाई और प्रोडक्ट के अंदर आईडी और नाम है। अच्छा, अब मुझे अगर ये करना है, अब इसमें ये एक और लाइन बोलता है कि भाई यूटिलिटी प्रोडक्ट एक चीज है, तो हमने बनाया यूटिलिटी प्रोडक्ट और इसको इनहेरिट करवाया हमने प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट से इनहेरिट करना का क्या मतलब है कि वो सारी चीजें जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर थी वो यूटिलिटी प्रोडक्ट में भी आ गई। तो जो चीज पेरेंट में एग्जिस्ट करती थी वो चीज यूटिलिटी प्रोडक्ट में भी एग्जिस्ट करती है, जस्ट लाइक आईडी और नाम। तो आईडी और नाम मुझे वापस से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर बनाने की बात कर रहा है तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐप क्लास में वापस आते हैं, ये क्या बोल रहा है आगे करने, यूटिलिटी प्रोडक्ट हैव नेम, नेम और प्रोडक्ट आईडी तो ऑलरेडी है, और डिस्काउंट होगा, तीसरी चीज इसने बोली डिस्काउंट होगा। तो अब हमने एक और की ऐड कर दी यहाँ पे, डिस्काउंट किस में होता है, नॉर्मली डबल में होता है, तो हमने की और ऐड कर दी डिस्काउंट की, और यहाँ पे ऐड कर दिया डबल डिस्काउंट, ठीक है, और दिस डॉट डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट जो नॉर्मली लिखा जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक अभी इसमें कुछ कैलकुलेट तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने कोई फॉर्मूला या कोई प्राइस बता ही नहीं है, तो हम सिर्फ एक मेथड बना देंगे, मेथड आई गेस, किससे बनता था, डबल और गेट डिस्काउंट, हम एक सिर्फ गेटर बना देते हैं नॉर्मली, ये समझ लें रिटर्न हमने कर दिया डिस्काउंट, ठीक है। तो हमारे हमारे यूटिलिटी प्रोडक्ट के अंदर आईडी भी एग्जिस्ट करती है, नाम भी एग्जिस्ट करता है, और डिस्काउंट की एक की भी, एक डिस्काउंट भी एग्जिस्ट करता है, लाइक 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ जो भी डिस्काउंट होगा वो एग्जिस्ट करता होगा गेट डिस्काउंट। तो हम गेट डिस्काउंट करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। और फिर आगे क्या कर रहा है, फ्रूट प्रोडक्ट हैविंग एट्रीब्यूट नेम प्रोडक्ट आईडी एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, एक और प्रोडक्ट, एक और चीज़ बन जाएगी फूड प्रोडक्ट के नाम से, फूड प्रोडक्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाया, यूटिलिटी प्रोडक्ट में क्या आता है, आटा चीनी वगैरह आता है, फूड आइटम में या तो सब्जी आ गई आपकी या तो डिफरेंट चीजें आ गई। अच्छा, फूड में हमने क्या बनाया, इसको भी यही करा कि एक्सटेंड प्रोडक्ट, तो जब हमने इसको प्रोडक्ट से इनहेरिट किया तो उसने हमें एरर दे दिया, तो हमने बोला भाई कंस्ट्रक्टर बना दो। अब एक और चीज थी कि एक्सपायरी, एक की, सर, जी, सुपर का कीवर्ड क्या करता है? सुपर का कीवर्ड ये करता है कि पेरेंट का, आपका जो पेरेंट है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या है, पेरेंट हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर है जो कि आईडी लेता है और नाम लेता है, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, हम फूड प्रोडक्ट वापस आते हैं, तो हमारे पास फूड प्रोडक्ट में एक और चीज थी डेट ऑफ एक्सपायरी, तो हमने डेट ऑफ एक्सपायरी रख दी अपनी। नॉर्मली डेट ऑफ एक्सपायरी की टाइप डेट होनी चाहिए, तो डेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अभी के लिए स्ट्रिंग रख रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने शायद डेट ही रखी होगी। डेट भी एक टाइप होती है, डेट टाइम, जिसके अंदर डेट और टाइम बाकायदा पूरा स्टोर होता है, आप उसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह, अच्छा, हमने यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग में रख दिया डेट ऑफ एक्सपायरी, और यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। अब ऑल्सो डिफाइन द मैटर शो द ईच क्लास टू शो डबल,
ठीक है, तो मेथड वगैरह आप लोगों ने बना दिए होंगे। तो अब टास्क वन में मैं आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके इनिशियलाइजर में अभी अभी के लिए मैं इसके इनिशियलाइजर में ही काम कर लेता हूँ और शायद इससे आपको क्लियर भी हो जाए। मैंने एक बनाया यहाँ पे फूड प्रोडक्ट, इसको मैंने नाम रखा FP1, और दूसरा फूड प्रोडक्ट होगा इसका नाम होगा FP2, एक यूटिलिटी प्रोडक्ट होगा जिसका नाम होगा UP1, और दूसरे का होगा यूटिलिटी प्रोडक्ट UP2। ठीक है, अब मैंने बोला कि FP1 इक्वल्स टू फूड प्रोडक्ट, और इसके अंदर क्या क्या चीज चाहिए मुझे, आईडी चाहिए, आईडी मैंने रख दी वन, सॉरी आईडी मैंने रख दी वन, नाम रखा वीट, और इसके अंदर फूड प्रोडक्ट के अंदर डेट ऑफ एक्सपायरी थी, तो मैंने इसको बोला 2022 12 और 02। ठीक है, एक ये एक्सपायरी, एक डमी एक्सपायरी हमने रख दी। अब क्या बोल रही है, अब ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो हमें एक न्यू का कीवर्ड है, जो कि न्यू का कीवर्ड हमें लगाना पड़ता है। तो अब इसने ये, हमने न्यू का कीवर्ड लगाया तो अब इसने एरर रिमूव कर दिया। ठीक है, ये हो गया FP1। अब मैंने एक और बनाया FP2 इक्वल्स टू न्यू फूड प्रोडक्ट, और आईडी रख दी 2, और इसमें रख दिया दाल या चने रख दिए या चिक पीस रख दिया, और यहाँ पे मैंने दिया इसकी भी एक्सपायरी मैंने कोई ना कुछ सेट कर दी, इसकी भी एक्सपायरी मैंने 2022 रख दी, 12 रख दी और 02 रख दी। इसी तरह यूटिलिटी प्रोडक्ट भी मैं बना लूंगा, और फिर मैं क्या करता हूँ, यूटिलिटी भी बना ही लेते हैं। UP1 इक्वल्स टू न्यू यूटिलिटी प्रोडक्ट, आईडी हमने दी 3, नाम हमने दिया, और अच्छा यहाँ पे फूड प्रोडक्ट में उल्टा रख दिया था, या तो हम दे देते हैं ऑरेंज, अभी के लिए मुझे इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं फूड प्रोडक्ट का, तो ऑरेंज और बनाना रख लेते हैं इधर, या एप्पल रख लेते हैं, और यूटिलिटी में हमने वीट रख दिया, और इसमें डिस्काउंट हमने कितना रखना था, डिस्काउंट 10 रुपीज़ का, हम फॉर सपोज बोलते हैं कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है इसमें, और इसी तरह यूपी इसमें हम बोलते हैं 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, और ये आ गया चिक पीस आ गया आपका। ठीक है, इसको 4 कर दिया हमने, और ये UP2। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक एरे बनानी है, आई गेस आप लोगों ने एरे लिस्ट तो पढ़ ली होगी, तो एरे लिस्ट कैसे काम करती है, एरे लिस्ट, और यहाँ पे मैंने रखा प्रोडक्ट, और यहाँ पे उसका नाम रखा प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, या तो सिर्फ प्रोडक्ट्स यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आया, मैंने लिखा प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और एक मैंने एरे लिस्ट बनाई, और फिर मैंने बोला प्रोडक्ट्स डॉट एड FP1, प्रोडक्ट्स डॉट एड FP2, और प्रोडक्ट्स डॉट एड UP1, प्रोडक्ट्स डॉट एड UP2। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा अभी फायदा क्या हुआ हमें इनहेरिटेंस करने का, हमने सिर्फ पेरेंट के नाम से हमने प्रोडक्ट बनाई, हमने पेरेंट की क्लास थी उसके नाम से हमने एरे लिस्ट बनाई पूरी, और हमने इसको प्रोडक्ट में लिख दिया। अब इसमें आप तीसरी कोई भी टाइप ले आओ, या डिफरेंट बिल्कुल ही कोई अलग ही टाइप ले आओ, वो भी इस प्रोडक्ट के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी। मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि उसके लिए जो मेरे प्रोडक्ट का एरे था, या तो जो अगर मेरा कोई ई कॉमर्स था, ई कॉमर्स में क्या होती है, सारी प्रोडक्ट्स होती है, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी है, लैपटॉप भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही एरे बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की। अब मुझे और फिर क्या करूँगा, कंप्यूटर आइटम्स और या कंप्यूटर प्रोडक्ट्स या लैपटॉप प्रोडक्ट्स को मैं एक एक्सटेंड करवा दूंगा प्रोडक्ट से, तो वो सारी चीज़ें एरे लिस्ट के अंदर कंज्यूम हो सकेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लूप चला के int i is equals to 0, i is less than products dot length,
प्रोडक्ट ऑफ टू एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे आई प्लस प्लस में अगर कर देता हूँ, और यहाँ पे एस आउट कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स डॉट गेट आई, इसमें डायरेक्ट इंडेक्स ही नहीं चलता, तो इससे हम गेट लगाते स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें काम नहीं करता है, जितना मुझे याद आ रहा है। ये मेरा काम करा मैंने टास्क वन में। अब मैं ऐप क्लास में गया और यहाँ पे जाके सिर्फ रन करता हूँ, तो अब देखते हैं ये क्या काम करता है। तो इसने यूटिलिटी फूड प्रोडक्ट और दो फूड प्रोडक्ट है और दो यूटिलिटी प्रोडक्ट, इसलिए उसने वो प्रिंट कर दिया, और ये इसने मेमोरी का एड्रेस प्रिंट कर दिया। अगर मुझे मेमोरी के एड्रेस की जगह वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूँगा? टू स्ट्रिंग का फंक्शन ओवरराइड कर दूंगा। तो अगर टू स्ट्रिंग में या ओवरराइड कर देता हूँ तो ये मेरा सब काम कर देगा। अगर अभी वैसे जैसे मैं सिर्फ यूटिलिटी फूड में करा, यूटिलिटी में नहीं करा, तो अब देख लेते हैं फूड में क्या प्रिंट करता है, यूटिलिटी में क्या प्रिंट करता है। ठीक है, इसने फूड प्रोडक्ट में पूरी वैल्यूज प्रिंट कर दी और यूटिलिटी प्रोडक्ट में सिर्फ मेमोरी एड्रेस प्रिंट करा। तो अगर हम इसको टू स्ट्रिंग कर देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से काम करने, या ये हमें अच्छा एक जो नज़र आने वाला रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? ये जो आपने लिस्ट बनाई थी प्रोडक्ट्स वाली, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म? बिल्कुल, ये अभी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, ये अभी इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म पे हम अभी आएंगे। ठीक है, ये इनहेरिटेंस है, अभी हमने इनहेरिटेंस चेक किया। ये प्रोडक्ट तो एक क्लास है, देखो ये जो पिलर्स है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कोई वैल्यू से या कोई क्लास से डिफाइन नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है कि ये चीज इस तरह काम करोगे तो ये पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया। ठीक है, ये एकदम जी, ये एडिटिव से बाद दोबारा बस हल्का सा ओवरव्यू दे दें ऊपर से आप एडिटिव्स का। एरे लिस्ट, अच्छा, जो जावा में एरे होती है उसमें हमें साइज ऑफ द एरे डिफाइन करना पड़ता है, और एरे लिस्ट के अंदर हमें साइज डिफाइन नहीं करना पड़ा कि हमने यहाँ पे एक एरे बना दिया, उसमें टाइप बता दी कि इसकी टाइप ये होगी, तो वो डायरेक्टली ये डायनामिक लिस्ट और वो स्टैटिक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि वो जो है वो स्टैटिक होती है, उसका साइज प्री डिफाइंड होता है, और इसमें एरे लिस्ट में साइज प्री डिफाइंड होना जरूरी नहीं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े या तो और सबका क्लियर है या किसी एक को भी सवाल है? क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज थे मेरे पास कि हमें समझ में नहीं आ रही चीजें, तो अगर अभी भी नहीं आ रही तो बता दें, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक क्या इम्प्लीमेंट करा, हमने क्या करा, पहले एक फूड प्रोडक्ट की एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, ये हमने सिर्फ डिक्लेयर किए, फिर हमने यहाँ पे इसको इसकी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करना शुरू, इनिशियलाइज करें सबको, न्यू करके सारे ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करें, और हमने इसको एक एरे लिस्ट के अंदर अपेंड करवा के और उसको प्रिंट करा। अभी सिर्फ ये काम हमने करा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 6, आई गेस ये था। ठीक है, तो 6.2 में देख लेते क्या था। आई थिंक 6.2 यही था आप लोगों के लिए, जो छोटा सा टाइम दिया था जिसमें आपको करना था, ये था। अच्छा, ये असाइनमेंट 7.1। Seven, seven.
एक टास्क शायद ये क्लास में करवाया भी था जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से, जिसमें हमने क्या किया था, एक एयरक्राफ्ट था, या तो हम लोग इसको भी आगे लेके चल भी सकते हैं, इस एग्जांपल को भी हम लोग इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, इसका एक मेथड है, गेट, या तो कह लो कि वॉइड गेट माय प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक मेथड है जो कि ये काम ये करेगा कि अभी के लिए मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये सिर्फ एक प्रिंट करेगा गेट माय प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने एक मेथड था जो कि डिफाइन करा। अब मैं आता हूँ फूड प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट से इनहेरिट हुआ हुआ है, यहाँ पे करा गेट माय प्रोडक्ट, तो ये इसने खुद ही कर दिया ओवरराइड। ओवरराइड क्या करेगा कि पहले इसने खुद ही प्री डिफाइन कर दिया सुपर डॉट गेट माय प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सुपर डॉट गेट माय प्रोडक्ट और यहाँ पे लिखता हूँ गेट माय प्रोडक्ट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको टास्क वन में जाके सिर्फ FP1 डॉट गेट माई प्रोडक्ट को प्रिंट, गेट माई प्रोडक्ट को कॉल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये कॉल करेगा अपना सुपर को, सुपर डॉट गेट प्रोडक्ट, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर जब ये लाइन चल जाएगी इसकी तो वो वापस, जब ये मेथड इसका कॉल हो जाएगा सुपर डॉट गेट माई प्रोडक्ट, जो कि क्या प्रिंट करेगा गेट माई प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा सिस्टम आउट प्रिंट गेट माई प्रोडक्ट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट। अगर मैं चाहूँ तो मैं पेरेंट को कॉल ना करना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, पेरेंट को कोई ऐसी चीज थी या कोई ऐसा मेथड डिफाइन करना था आपने, या ऐसी फंक्शनैलिटी थी जो कि पेरेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है, तो वो आप उसके लिए ओवरराइड मेथड्स बनाते हो, कि जैसे एक गेट माय प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर बना हुआ था, आपने इसको ओवरराइड करा इसके चाइल्ड में और आपने इसको अपनी इसमें कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कर दी, ठीक है। ओवरराइड का ये बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसको पता सर कैसे। जी अवेश, हेलो जी सर, बिल्कुल। तो इसका फायदा क्या हुआ? मैं नाम चेंज कर लूं फंक्शन का? अच्छा, अब होता ये, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अभी ये करता हूँ, यहाँ पे सुपर हटा देता हूँ, और जो हमने एरे बनाया था, इस एरे के अंदर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स डॉट गेट आई डॉट गेट माई प्रोडक्ट्स प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसने क्या करना चाहिए, इसने ये करना चाहिए कि जो फूड प्रोडक्ट है उसमें प्रिंट करेगा गेट माय प्रोडक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट, दो में इसने फूड प्रोडक्ट प्रिंट किया, क्योंकि पहले दो थे हमारे पास फूड प्रोडक्ट थे FP था, और दूसरे दो हमारे पास थे यूटिलिटी। अगर मैं एक नया मेथड डिफाइन करता तो मैं यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाता कि भाई अगर ये फूड प्रोडक्ट है तो ये वाला मेथड कॉल हो, यूटिलिटी प्रोडक्ट है तो ये वाला मेथड कॉल, तो ये इनहेरिटेंस या ये पॉलीमॉर्फिज्म ने क्या किया, मेरी ये प्रॉब्लम आसान कर दी कि मैं सिर्फ एक ही मेथड कॉल करूंगा और वही जो भी आपको उसमें काम करना है उसको अपनी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करो। यहाँ तक क्लियर ठीक है, है, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं बोलता हूँ कि एक मेथड, जस्ट एक शायद मैंने लास्ट में भी यही एग्जांपल दी थी, और हर कोई मेरे का तो यही एग्जांपल देता है कि यहाँ पे अगर एक था टास्क वन, और ये टास्क वन के क्लास में मैं खड़ा हुआ, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया इंटीजर सम, और यहाँ पे लिखा इंट ए इंट बी, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ए प्लस बी, यही करेगा, तो ये हमारा एक मेथड बन गया। अगर मैं इसको कॉल करूं
कि सम 5 + 10 और इसको एस आउट करवा दूं, तो ये 5 + 10 = 15 प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फ्लोट या डबल सम डबल ए डबल बी, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी वही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एस आउट सम 5.0 या 5.5 और 14.5, ठीक है। तो ये वही प्रिंट कर देगा कि इसकी जो वैल्यू आनी है 20 वो प्रिंट कर देगा ये। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैंने ये दो मेथड्स बना लिए, अब इससे आसानी क्या हो गई मुझे कि मैं मेथड कॉल किया, मुझे अब ये फिक्र नहीं कि मैं अंदर इसमें क्या टाइप डालने वाला हूँ। अगर इंटीजर की अगर मैंने डबल का नहीं बनाया होता तो ये मुझे इस पे एरर दे देता या 2.2, तो ये मुझे इस पे एरर देता कि भाई इसकी टाइप इंटीजर है और आप इसको डबल दे रहे हो। तो हमने क्या किया, सेम नाम का एक और मेथड बना लिया। तो उससे क्या हुआ फायदा कि उसने दोनों को इन्फर करना शुरू कर दिया। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं इसमें इंट पास करूं या डबल पास करूं, ये दोनों के लिए काम करेगा। तो ये कहलाती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड का नाम सेम होता है, उसकी पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। नाम सेम होता है, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट कैसे है, इसमें इंटीजर ले रहा है और इसमें डबल ले रहा है, ये डिफरेंट। जी बोले सर, बस क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां तक आएगा सबका क्लियर होगा। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था आपका पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि इतना आसान था। ठीक है, हम एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सबका ये असाइनमेंट 8, चलो सही है 8 थोड़ा इंटरफेस वाले, 7.1 तक सबके असाइनमेंट विदाउट कॉपीड विदाउट प्लैगरिज्म सबके सबमिट हो जाएंगे। कब तक सर? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। कब तक वो आप लोग बताएं कब तक कर सकते हैं। सर वेडनेस से तक टाइम दे दें सर, अगले हफ्ते तक दे दें टाइम बस, क्योंकि मुझे फिर मार्क्स लिखने हैं सबके, उसके बाद फिर मैं इसको वापस खोलूंगा नहीं मार्क्स वापस से राइट करने के लिए, क्योंकि अभी काफी मतलब मैं खोल चुका हूं, तो पहले मार्क्स लिखता हूं फिर हटा देता हूं, फिर मार्क्स लिखता हूं फिर हटा देता हूं। एक वीक का टाइम फाइनल बता दो, एक वीक का, आज मंडे है ठीक है, तो संडे तक का टाइम है, मंडे नहीं संडे रात तक का टाइम है, क्योंकि सबने वीकेंड पे काम करना होता है नॉर्मली, या आप लोग तो वैसे फुल टाइम हो तो आप लोग तो रात भर जाके काम कर लोगे। जी जी, बस 7.1 और 6.2 करना है? नहीं नहीं, 7.1 तक असाइनमेंट 1 से लेके 7.1 तक खुद असाइनमेंट करने, अगर एक भी कॉपी मिला तो मैं सब में 0 दे दूंगा। असाइनमेंट नंबर 1 से? जी, असाइनमेंट नंबर 1 से लेके 7.1 तक, अगर पहले सही से खुद ही सबमिट करवाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाया सबमिट या कॉपीड था, क्योंकि मेरे पास तो लिखा हुआ है किसका कॉपीड था नहीं था, तो वापस से सबमिट करवा देना अगर कॉपीड किया था तो। ठीक है, सही से खुद करके फिर वापस सबमिट करा देना। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल्स पे। आप लोग सबने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स दिखाए या बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स आपकी टाइमलाइन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाई ये हुसैन अब्बास भाई है हमारे साथ मौजूद। यस सर। सर, आपको अपना थोड़ा प्रोजेक्ट या जो आपका प्रपोजल, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, और ये कबीर भाई भी ये मौजूद है। यस सर, मुझे मेरे ख्याल से उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं स्टार्ट करूं सर? बिल्कुल सर, आप अपने थोड़ा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं सब अपने दोस्तों को। सर, प्रोजेक्ट असल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, कि जो लाइब्रेरियन बैठा हुआ है लाइब्रेरी में वो उधर एप्लीकेशन में लाइब्रेरी का रिकॉर्ड इनपुट वगैरह कर रहा होगा, और उसी से यूजर्स को एक्सेस भी होगा रिकॉर्ड के, कब
वो रिटर्न करने हैं, कब बुक इशू हो रही है वगैरह वगैरह। लॉगिन बने, यूजर लॉगिन बनेगा इसमें, यूजर साइन अप बनेगा इसमें, ऐड और डिलीट, बुक को ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन होगा, अपडेट कर सकते हैं, और बाकी राइटर का नेम होगा इसमें, और स्टेटिस्टिक्स होंगी यूजर्स की और बुक्स की इसमें। इस तरह ना अपडेट भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा और रीड भी हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट है हमजा अहमद। हमजा अहमद है, हमजा अहमद के साथ मेहमा शहमद खान, ये दोनों मौजूद नहीं है। दोनों नहीं है, ठीक है। ये है उसामा अहमद और इनके साथ है उसैद शकील, ये मौजूद है जी सर। जी सर, आप थोड़ा बताएंगे अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। सर एक सेकंड। सर ये यानी जो बैंक के अंदर जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, जो यानी बेसिकली बैंक का स्टाफ यूज करता है, ये बेसिकली उसको उसको यानी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यानी जो हम नए अकाउंट्स ऐड कर सकते होंगे, यानी नए अकाउंट्स क्रिएट होंगे, पुराना अकाउंट्स को हम डिलीट वगैरह कर सकते होंगे, और क्या कहते हैं जैसे डिपॉजिट और विदड्रॉ वगैरह चीज़ें होंगी इसमें, और जैसे यूजर का जो जैसे कस्टमर क्या कहते हैं जो अकाउंट होल्डर होगा वो ये, जैसे ये आई गेस आपका अपडेटेड नहीं है, आपने शायद मुझे दूसरा सेंड किया सर। हाँ मैंने भेजा था, वो अपडेट करना मैं यहाँ पे भूल गया। ठीक है, तो आपने जो आपका जो व्हाट्सएप पे है तो वो थोड़ा डिफाइन कर दें यहाँ पे सबको। हाँ सर, उसमें बस एक ये जैसे ये बिलिंग और ये फोन बिल्स वगैरह ये वाली चीज बस मैंने रिमूव करी थी, और इसकी जगह बस विदड्रॉ और क्या कहते हैं विदड्रॉ और डिपॉजिट यानी मैंने ऐड किया था, तो बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम। जी बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये है अक्सा एहसन। ये है मौजूद फातिमा एहसन, अवेज और अशर। सर मैं जी अवेज। जी जी बोला सर, इसमें एयर टिकट रिजर्वेशन का जो हमारा सॉफ्टवेयर था, मैं कस्टमर अपनी टिकट रिजर्व करवा सकता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो बता सकेगी कि मतलब इन केस अगर कोई प्लेन कैंसिल हो जाती है, कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो उस सूरत में वो फ्लाइट कैंसिल कर सकता है, न्यू फ्लाइट ऐड कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो कस्टमर होगा वो जो बिजली जो काम करता है कस्टमर के टिकट बुक करवा सकता है और अपनी टिकट कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, तो कैंसिल का बटन दबाएगा तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी या वो मैनेजमेंट के पास जाएगी और फिर वो कैंसिल कर सकेगा? नहीं सर, कस्टमर तो खुद अपनी टिकट कैंसिल करवा सकता है ना, जो उसे पेनल्टी होगी वो होगी, उसके बाद कैंसिल तो करवा सकता है, अपनी टिकट करवा सकता है, मैनेजमेंट जो थी वो पूरी फ्लाइट कैंसिल करवा सकती है, उसे पूरी फ्लाइट कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका एक टिकट का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा और एक फ्लाइट्स के ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, सही है? जी जी सर। ठीक है, सही है, थैंक यू। और उसके बाद है हमारे साथ ये एहतसाम भाई। एहतसाम के साथ बिस्मा उबैद, हाफिज रिशा खान, एहतसाम अकरम। और आप लोग थोड़ा अपने बता दें। तीनों मौजूद नहीं है? यस सर है। ठीक है, कौन है? सर बिस्मा। ओके, नाम रख लिया कर अपने जूम में रखा था आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग ये अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल थोड़ा डिफाइन कर दें। सर सबसे पहले हम लोग लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, उसमें हम लोग यूजर अपनी डिटेल्स जो है वो ऐड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, और
होटल बुक करेगा और व्यू होटल करेगा, ये सब चीजें। तो होटल कौन बनाएगा सर? होटल, होटल का भी पैकेज बनेगा ना। कौन बनाएगा सर? वो यूजर, यूजर बनाएगा या तो एडमिन बनाएगा? सर एडमिन बनाएगा। तो मैं दो यूजर जर्नीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक एडमिन होगा जो कि होटल बना सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और यूजर होगा कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, बुक कर सकता है होटल को। सही है? यस सर। ठीक है, तो इसका आई गेस प्रपोजल में ये चीज़ें डिफाइन नहीं थी, तो ये आप प्राइवेट कमेंट्स में लिखते हैं ना, आप इसको थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जो अभी बातें हमारी डन गई तो वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है सर। ओके, और इसके बाद हमारे साथ हमजा अली सर। जी सर, इससे पहले वाला अक्षर आसान वाला तो वो भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, आई गेस आप लोगों का नहीं आ सकता, आप लोग का आई गेस हो गया ना, अवेस ने कर दिया। जी सर, हो गया था, क्लास में भी हो गया था। ठीक है, ठीक है, बस एक भी, कोई एक भी अवेलेबल हो ना तो ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें आगे काम करते हैं जैसे ये सबका हो जाता है। ठीक है, ये हमजा अली ने सबमिट नहीं करवाया, सिर्फ खाली टर्न इन कर दिया सर। वो मेरे लैब पार्टनर ने करवाया था, खैर उन्होंने सब। ठीक है, मोहसिन अली और मोहम्मद असद थोड़ा बताएंगे। मोहसिन अली और मोहम्मद असद दोनों अवेलेबल नहीं है। ओके गुड, जायान अली, जायान अली, जैद अली और जैद खान और जायान अली थोड़ा बताएंगे। दोनों ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वहाज अंसारी, वहाज अंसारी और उसामा शाह, दोनों अवेलेबल नहीं है। मुकर्रम असद, मुकर्रम असद, अब्दुल रफी और आयशा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जी सर, हमारा जो सर, वैसे ये मैंने एक और सर, मेरी आरी जो पार्टनर आयशा उसने सही से डाला, मैंने सिर्फ सिंपल ओवरव्यू डाल दिया था। अतौल नूर और मोहम्मद बिलाल, थोड़ा बताएंगे। जी सर, हमने एटीएम का सिस्टम बनाया है जिसके अंदर ना यूजर अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसमें से अपने मनी विड्रॉ कर सकता है और क्रेडिट कर सकता है, मतलब डाल सकता है अकाउंट के अंदर। और ठीक है, उसका पास जो है ना, उसका पिन नंबर होगा यूनिक, हमको जनरेट करके देंगे जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, वो लॉगिन कर सकता है अपने अकाउंट में वगैरह वगैरह, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ग्राफिकली जीयूआई में आप लोग एटीएम बनाने वाले हो? यस सर। सर इंक्वायरी लिस्ट रहेगी सर, उसके पास जो सारी वो स्टेटमेंट्स होती है ना डिपॉजिट की, कितना डिपॉजिट करा है, कितना विड्रॉल करा है, कितना ऐड हुआ है, वो सब कुछ भी सर वो उसका स्पेशल ने डेटाबेस पर। सही है, समझ गया। ठीक है, गुड। ये है मुबशर हनीफ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इतना बड़ा सबमिट कर दिया भाई ने।
ये कौन है, मुबशर हनीफ और अहमद जमान? ये भाई को बुला सकते हैं कोई? दोनों अवेलेबल हैं। चलो ये पांच के तो फिर मार्क्स कटेंगे। स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम शुएब हसन, शुएब हसन और अम्मार सिद्दीकी। नहीं अवेलेबल, अरबाज खान। जी बहुत स्लो आ रही है लेकिन आ रही है। अरबाज खान और फैजान चावला। बस मैं प्रेजेंट हूं, अरबाज खान। आवाज आ रही है, मतलब ऑडिबल है? बिल्कुल जी जी ऑडिबल है। इसमें हम एक ब्लॉक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें यूजर क्रिएट कर सकता है पोस्ट और उसी को एडिट और डिलीट कर सकता है, और उसमें लॉगिन और रजिस्टर का फॉर्म है, गियो फॉर्म से बना रहे हैं। और मतलब जितना भी पोस्ट, कौन से फॉर्म से बना रहे हैं? गियो फॉर्म। ये क्या? GUI। अच्छा GUI, ठीक है जी। और अच्छा जिसमें मतलब जितनी भी GUI तो सबने ही करना है ना, GUI से आप तो थोड़ी करोगे, GUI तो बताने की जरूरत नहीं है, लोग ऑब्वियस है ये सब करेंगे। जी जी। तो इसमें पोस्ट और जितनी भी आपके लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो सारे MySQL का उसमें डेटाबेस में जा रहा होगा। तो जो मैंने लिखा है ना, मतलब इसमें एक यूजर ही पोस्ट कर रहा होगा या एक से ज्यादा यूजर भी पोस्ट कर रहा है? एक से ज्यादा यूजर पोस्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट अकाउंट बन सकते हैं। ठीक है, और एक साथ सबकी ब्लॉग्स नजर भी आ रहे होंगे? जी जी जी। और उस ब्लॉग को, उस ब्लॉग में कमेंट और लाइक भी हो सकता होगा? नहीं, उसमें वो नहीं रख रहा। ठीक है, तो आप लाइक का ऐड कर दीजिएगा एटलीस्ट। लाइक का, और जैसे ये जो आपको ये सामने जो खुला हुआ इसमें मतलब दो तीन चीजें स्प्रिंग एमएससी इसमें मतलब हटा दिया, और वो तो मसला नहीं है मुझे, वो तो मुझे पता है ऐसे ही सब लिखते हैं वो, आप लोग की मर्जी कुछ भी यूज करें, लेकिन ये कि जावा डेटाबेस में मर्जी है, डेटाबेस इस्तेमाल करनी है करें, ना करनी ना करें, मेरी ख्वाहिश होगी कि करें लेकिन नहीं करते तो कोई मसला नहीं। बस में लाइक का मतलब जी फीडबैक का हो जी की। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये का हो गया साद जी, साद खान और मोहम्मद उमर। यस सर। जी सर, कौन बता रहे हैं? बताने को तो कुछ खास है नहीं क्योंकि हम लोग अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं अभी तो। नहीं मतलब करोगे क्या? क्या मैं तो ये पूछूं करोगे क्या सर? अभी हमने आपको कहा भी था कि आपके कमेंट में लिखा हुआ भी कि भाई आप ये जो अपनी चीजें मुझे बोली ये लिख के आप वापस से डॉक्यूमेंट सबमिट करा, वो भी नहीं करवाया आपने? तो वैसे मुझसे भी देखी थी वीडियो यूट्यूब पे, तो उसमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कुछ बनाए, तो उसका आइडिया भी सोच रहे कि हम बनाते सीवी जनरेटर। तो अब तक सोच रहे हो? जी सर। मेरे भाई अभी अभी इसके आगे का काम देना, वो फिर कब करोगे अगर ये सोचते रहोगे? कर रहे सर। वो कर लेना, लेकिन फिर इसके मार्क्स फिर एक्सपेक्ट नहीं करना कि मिलेंगे। ठीक, सारिम खान। सारिम खान जी, अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा जी सर, इसमें हमने एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, इसके अंदर समझ लिया हमारे पास तीन चार स्क्रीन आएंगी, ठीक है, जिसमें से हम एक यूजर लॉगिन करेगा, एक एडमिन लॉगिन करेगा और एक नॉर्मल पेज होगा जो हर बंदा विजिट करता है। जब हम लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं और हम कैंसिल कर सकते हैं, ये लॉगिन वाले बंदे के लिमिटेड होगा, सही है। और यूज़र एडमिन के लिए ये होगा कि वो आपको कैंसिलेशन लॉगिन सब आपको सारी चीज़ें शो करेगा, मतलब जो भी आप लॉगिन के थ्रू कर रहे हो वो सब चीज़ें शो होंगी, और साथ में इसमें जर्नी डिटेल्स वगैरह हर एक चीज़ मेंशन होगी। और कैंसिल सिर्फ यूज़र एडमिन ही कर सकता है, मतलब जो एडमिन होगा सिर्फ वही कैंसिल कर सकता है, यूजर कैंसिल नहीं कर सकता। तो यूजर नहीं करेगा, रिक्वेस्ट कैसे करेगा यूजर? वो रिक्वेस्ट करेगा, वो मेल के थ्रू करेगा। मेल के थ्रू करेगा, अगर सिस्टम में ऐड कर लो तो ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो बस एक लिंक चेंज कर देना। ठीक है, वो ऐड कर देना। चलिए ठीक है सर। ठीक है ठीक।
और ये मी शाहरुख ये भाई ने क्या भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सी एक्सटेंशन में भेज दिया मेरे भाई? बाइनरी फाइल तो चल प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉट जावा। सर दो फाइल्स भेजी थी मैंने, एक एक में जीयूआई था थोड़ा बहुत ऐसे भेज दिया था। जीयूआई था मतलब ऐसा ही मैंने उठा के उसमें अपना डाल दिया था प्रोजेक्ट प्रपोजल वगैरह। भाई पीडीएफ अपलोड कर दो फिर से। सर पीडीएफ अपलोड किया है मैंने। नहीं है मेरे पास इधर। आप दो आपको शो हो रहा होगा, एक डॉट जावा है और एक डॉट बाइनरी फाइल है। अच्छा सर सर ये मैंने लिनक्स पे बनाया है इसी वजह से ऐसे शो कर रहा है। तो लिनक्स पे भी बनाया तो पीडीएफ बनती है, बाइनरी कहां से खुलेगी? ओके सर मैं अपलोड कर दूंगा बात। ठीक है अफरा का एड्रेस निकल तो हो गया। हां अभी कर। और अनम नजीर और ये फन सब शुमाइसा और अनम नजीर ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। ये जावा एफएक्स क्या चीज है? सर ये फ्रेमवर्क है जावा का। क्या करता है? सर इसमें जीयूआई ऐप बनाने के लिए हम यूज करेंगे। इसमें बेसिकली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और उसमें बुक के हवाले से मतलब डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कौन ऐड कर रहा होगा? सर ये इसमें जावा एफएक्स में बनाएंगे ना हम इसे? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं कि यूजर ऐड करेगा या लाइब्रेरियन करेगा? यूजर जो आएगा। तो लाइब्रेरियन का क्या काम है फिर? बुक कौन ऐड करेगा? बुक कौन ऐड करेगा? सर यूजर जो आएगा वो टाइटल ऑफ द बुक या ऑथर और ईयर वगैरह ये सब कुछ इसमें मतलब चेंजिंग कर सकता है। जो यूजर आएगा वो तो बुक लेने आएगा ना, बुक देने या बुक लेने आएगा या बुक देने आएगा, बुक बेचने थोड़ी आएगा। सर ये भी बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। बनाने तो पहले पता तो होना चाहिए ना क्या बना रहे हो। तो इसको थोड़ा सही करो और मुझे वापस से सबमिट करो। ओके सर। ठीक है या आज ही वापस करवाना? ओके थैंक यू। अताउल नूर आई गेस हो गया। यस सर एम बिलाल के साथ था सर। ठीक है सर थैंक यू। सर सर जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। मैं शारुख बात कर रहा हूं सर। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूं। सबर सबर हौसला वो पहले अपलोड कर दो फिर बता देना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ताकि सब देख सके। अच्छा भाई ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन बना रहा है? और मोहम्मद नजीर कुदरत। ये एड्रेस लिखने की क्या जरूरत थी भाई? घर पे थोड़ी पहुंचाना मुझे कुछ। क्या करते भाई ये मोबाइल और ये इस पे साथ खुला हुआ है क्या? नो सर सिर्फ मोबाइल ही है। अच्छा तो चलो थोड़ा बताना शुरू करो। बताना शुरू करो। यस सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज जावा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं मेरे को डिस्क्रिप्शन बताओ। पीपल कैन साइन अप सर अगर जैसे वो तो मैंने पढ़ लिया। अच्छा इसमें सिर्फ ये बोले कि यूजर लॉगिन कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है और बिल बन सकता है। तो ये जी तो बिल बनाएगा कौन? सर ये बैकएंड में बनेगा ना तो इसका डेटाबेस भी सेव होगा कि आपने कितना ऑर्डर किया। तो ये सब को देख कौन रहा होगा? ये सर ये तो रिसिप्ट यूजर के पास भी आ सकती है और जितना हमारे जो होगी उसका बिल जो होगा हमारे। खाना कौन ऐड करेगा? खाना कौन ऐड करेगा? यूजर ही ऐड करेगा, लॉगिन करेगा। खाना ऐड करेगा यूजर तो ऑर्डर करेगा ना, जो यूजर खाना ऐड करेगा। तो खाना तो सर हम ही ऐड करेंगे तो यूजर ऐड टू कार्ट कर सकता है। हम कौन है? शर्जील भाई और मैं। नहीं नहीं एज अ यूजर हम कौन है? एडमिन होगा, मैनेजर होगा, कौन होगा? एडमिन ही होंगे सर। एडमिन होगा। एडमिन रोल भी इसमें फिर बनाओगे? ओके सर। ओके नहीं मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक तो नहीं बनाएंगे। अभी तक जैसे बनाएंगे। तो अब बनाओगे? स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट।
हाँ तो अभी आज से स्टार्ट करना है ना, तो अभी इसका इसके बाद का भी असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल के बाद का सर होगा, उसके बाद असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आप लोग इंशाल्लाह इसी में कोई कर वो भी कर रहे होगे साथ साथ। ओके सर, ठीक है। जहीर कुरैशी कितने बाकी, कितने सारे लोग हैं ये है भाई जहीर कुरैशी साहब और दूसरा अबू बकर। हाँ भाई दोनों नहीं है, शेरोज रहमान और शान आसिफ। हेलो सर, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट करा हुआ है? सर ये शेरोज ने डाला था लेकिन मैं संभाल रहा हूँ। ये पूरा कॉपी पेस्ट है, ठीक है फिर भी बता दो। सर सिंपल एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम होगा जिसमें एक रजिस्ट्रेशन होगा, यूजर को उसके बाद उसमें लॉग इन करेगा, उसके बाद जिन दो सिटीज के दरमियान ट्रेवल करना है उसमें एक है ना उसका उसके टिकट को बुक करा सकता है, उसके बाद जो वो कैंसिल करेगा जो भी करेगा उसकी रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन के पास और एडमिन उसको अपडेट करेगा और उसको डिलीट करेगा। और उसके अलावा अच्छा ये बताओ द रेट ऑफ द टिकट विल वेरी विद टाइम, तो ये मिसाल के तौर पे ये चेक कैसे करोगे? चेक मतलब कि जैसे आज की डेट पे किसी को टिकट बुक करवाना है और क्या नाम है उसका वो नहीं करवा सका लेकिन तो आज की डेट पे टिकट जो है वो सस्ता मिल रहा होगा लेकिन कल वो महंगा हो जाएगा, तो ये जो टाइम मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, अगर मुझे आज ट्रेवल करना है तो आज सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा? अरे तो वो तो मतलब इस पे होगा ना सर, क्या होगा मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। क्या होगा, क्या मतलब कि टिकट का वो जो टाइम की सबसे महंगा और सस्ता कैसे हो? बिल्कुल मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सर, ये चीज अभी इसमें क्लैरिटी के साथ आपको दोबारा, ठीक है मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा ये आशा साजिद, और सैयद हुज़ैफ़ा अली, ये सर सैयद हुज़ैफ़ा है सर, इसमें हम करते हैं सर यूजर होटल मैनेजर और एडमिन इसमें लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है और फॉरगेट पास सकते हैं। ठीक है होटल मैनेजर का क्या रोल है? होटल मैनेजर का ये है कि वो अपने होटल की जो उसके ऑफर्स होंगे अपने उसके जो बैठ के वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका पैकेज बनाएगा और जो यूजर को शो होगा उसके उसके अकाउंट में उसके डेटाबेस पे डैशबोर्ड पे। ठीक है ठीक है, तो अच्छा सर के लिए क्या क्या है सर? नहीं सही है सही है सही, थैंक यू थैंक यू, अच्छा बनाया सब कुछ दिखा भाई है। मोमिना साकिब, यस सर, मोमिना और हाफिज मोहम्मद अनस कार इंश्योरेंस, थोड़ा बताएंगे? यस मैं मोमिना मैं बताती हूँ सर, कार इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बेसिकली 3 या 2 पॉलिसीज पे हम काम करेंगे डिफरेंटली, जिसमें होगा ये कि पहले हम यूजर को रजिस्टर करेंगे, अगर वो इनकेस रजिस्टर नहीं है और उसे पूछेंगे कि वो लाइक किस इंश्योरेंस पॉलिसी में रजिस्टर अपने आप को कराना चाहता है, लाइक कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसे हम रजिस्टर करेंगे और उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे उसकी कार की इंफॉर्मेशन, उसकी बैंक उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और सॉरी बैंक डिटेल्स खैरियत बैंक डिटेल्स मतलब उसकी जो मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो उसकी अमाउंट होगा वो किस बैंक में लाइक वो अपना सेव करेगा लाइक जमा करवाएगा एंड ऑल, हम इसमें क्रेड ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे जिसमें हमारे पास अपडेशन का ऑप्शन होगा, डिलीशन का ऑप्शन होगा, सर्च इंफॉर्मेशन का ऑप्शन होगा और ऐड यूजर का भी ऑप्शन होगा इसमें, और हम इसमें जो है यूजर की आईडी भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कार की आईडी होती हैं हम वो
क्लिक करेंगे और जब यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन, जब यूजर को लाइक अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी होगी, लाइक सारी इन्फॉर्मेशन उसकी, अपनी कार की डिटेल्स और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी बैंक डिटेल्स, तो जस्ट वो अपनी आईडी इंटर करेगा. अगर लाइक हमने डेटाबेस बनाया हुआ होगा तो उसमें जो आईडी होगी तो वो जस्ट आईडी इंटर करेगा एंड उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी. एंड सेम विल हैपन व्हेन वी विल परफॉर्म क्रेड ऑपरेशन. तो वो क्रेड ऑपरेशन में जस्ट अपनी आईडी एंटर करेगा और जो उसे लाइक परफॉर्म करना होगा, लाइक अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो वो कर सकेगा. तो दिस इज ऑल. ओके ओके. अच्छा आप मुझे ये बताइए मेडिकल कवरेज क्या चीज है. आप कार इंश्योरेंस दे रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं? मेडिकल कवरेज लाइक अगर जस्ट इन केस आपकी कार को कोई नुकसान पहुंचता है एंड किसी भी रीजन की वजह से, तो वो लाइक डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है कि वो मेडिकल कवरेज भी आपको देती हैं. गाड़ी का मेडिकल या बंदे का मेडिकल? बंदे का, डेफिनेटली बंदे का भी और गाड़ी का भी वो कवरेज आपको देते हैं. ठीक है, पहली दफा सुनने में नहीं है. खैर इसमें ये तो आपने यूजर का बता दिया कि भाई यूजर ये सब करेगा, एडमिन अप्रूव करेगा या खुद ही ये इंश्योरेंस बाय हो जाएगी? एडमिन करेगा या कोई चेक करेगा कि गाड़ी देखने जैसे जाते हैं इंश्योरेंस वाले, तो उसका क्या होगा, वो कहाँ पे मेंशन है? जब आप इंश्योरेंस करवाते हो गाड़ी की तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी विजिट करने आती है कि इसमें अभी क्या क्या काम है या गाड़ी की कंडीशन क्या है. जी. तो वो अप्रूव फिर उसके बाद होती है, तो वो अप्रूवल तो कौन करेगा इसमें? इसमें एडमिन रोल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है गाइस. जी इसमें वो ऐड नहीं कराया है लिखते हुए, बट सोचा था कि करना है ये भी, लेकिन अभी इतना क्लियर नहीं है. अभी अभी जस्ट एक प्रपोजल है ना, इस पे अभी काम करना एग्जैक्टली शुरू नहीं किया है. प्रपोजल से कम होता है काम, नॉर्मली जो काम मैंने आज तक देखा है वो प्रपोजल से हमेशा कम होता है. तो प्रपोजल में इतनी कम चीजें, इससे कम तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा भी नहीं. और इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें मिसिंग है. इसके अंदर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है कि आपने सिर्फ एक ही यूजर जर्नी बनाई और इसमें सिर्फ एड डिलीट कर रहे हो, क्रेड ऑपरेशन कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा. तो एक और यूजर जर्नी आपके एडमिन की भी बनेगी जो एडमिन अप्रूव कर रहा होगा. ठीक है, तो दो यूजर जर्नी आपकी बनेगी और थोड़ा भी इसको एक्सटेंड कर लेना, ये बहुत छोटा है आपका प्रोजेक्ट. यस श्योर. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. ताहा शाहिद. सर मैंने अपलोड कर दिया है. मैं शाहरुख. ठीक है, मैं आखिर में आता हूँ, आखिर में याद दिलाना. ठीक है, ताहा शाहिद और उसामा आमिर. नहीं है सर, दोनों नहीं है. ठीक है, नाइम सिद्दीकी. ये हो गया या बाकी? नहीं बाकी है. माहीन तुफैल और मोहम्मद नाइम सिद्दीकी. Thank you.